तारिक जमी साहब की एक वीडियो चढ़ी हुई है और वो उसमें कहते हैं कि जी ये जो गुम्मद खजरा है ये उलमा देवबंद ने बचा लिया। बड़ा चंगा काम किया उन्होंने बचा के, बड़े चंगा काम किया। किसी जमात का कारनामा है। 1925 में मदीना फतह हुआ तो उलमाए नजद में शिद्दत बहुत है, मोहब्बत और हुदूद में फर्क नहीं कर सकते, तो जन्नत और बटी के सारे निशान हटा दिए। उम्मतुल मोमिनीन के, सहाबा के, अहले बैत के, आले रसूल के सब निशान थे, सब हटा दिए। उन्होंने कहा यह सब को मैं तोड़ दिया जाए, कब्र का गुंबद बनाना मना है। अबे वो सही बात है मना, कब्र का गुंबद बनाना मना, अबे वो सही बात है मना, कब्र का गुंबद बनाना मना, अबे वो सही बात है मना, कब्र का गुंबद बनाना मना, तोड़ दिया जाए। जब ये फतवा फैला दुनिया में तो इससे रद्द अमल हुआ, ये क्यों तोड़ा जाए? तो उन्होंने मुनाजिर की दावत, तो सारी दुनिया से उलमा वहां जमा हो गए। तो हिंदुस्तान से भी एक वफद गया, 1925 में हिंदुस्तान था, उसमें एक शख्स है उस्ताद शबीर अहमद उस्मानी, उसी देवबंद का पड़ा हुआ है। बुखारी शरीफ कह दीजिए है, आयशा तेरी कौन है, अभी नई नई मुसलमान हुई है, अगर ये जरा थोड़ा जमाना गुजर चुका था तो मैं बैतुल्ला गिरा के नए सिरे से बना था और मैं हकीम को उसमें शामिल कर देता, लेकिन मुझे खबर आया कि ये बिगड़ जाएंगे। इस हदीस को बुनियाद बनाया और दो घंटे बात की और ऐसे बैठे सर जी का, तो सुल्तान अब्दुल्ला अजीज का अजीब और हिंदी, हिंदी को जवाब दो, हिंदी को जवाब दो, कहने लगा हमारे पास कोई जवाब नहीं, तो फिर हिंदी का फैसला सही है, सब गुम्मत को बाकी रखा जाएगा। ये बर्रे सगीर की उलमा की तो फैल ये गुम्मत खड़ा है, ये बर्रे सगीर की उलमा की तो फैल ये गुम्मत खड़ा है, ये बर्रे सगीर की उलमा की तो फैल ये गुम्मत खड़ा है। हाँ अच्छा, खुद उसमें मान रहे हैं कि कब्रों पर इमारत बनाना गलत है और वो मंसूब कर रहे हैं जी हमारे एक बाबा जी थे शबीर अहमद उस्मानी साहब, जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा भी पढ़ाया था, तो उन्होंने वहां पे अरबियों को लाजवाब कर दिया। ओ यार तुहानू तो कहा नहीं कोई पांदा अल्लाह दे बंदे हो, अरबियों को लाजवाब कर दिया। उनको व्हाट्सएप कॉल आई थी, एक दिन के अंदर ये सारे मजार गिर गए थे। जाहिर पूरा एक मॉब आया था, जब एक पूरा लश्कर किसी शहर में दाखिल होता है, गुम्मद खजरा खुद उन्होंने छोड़ा था। अच्छा देखिए ये कहानी है ना, कहानी कैसे पकड़ी गई, तारिक जमी साहब ये स्टोरी सुना रहे हैं और वो कह रहे हैं जी शबीर अहमद उस्मानी ने वहां हदीस सुनाई थी। ओ उसको कौन पूछता है वहां जाके हदीस सुनाए जी। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि ए आयशा अगर तेरी कौम नई नई जाहिलियत से ना फिरी होती तो मैं हतीम को तोड़कर काबे में दाखिल करके हजरत इब्राहिम की बुनियाद के ऊपर काबे को तामीर करता, वो नबी इस्लाम ने नहीं किया फितने के डर की वजह से और आज तक हतीम बाहर है। बीच में एक दफा अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने किया और हजाज इब्ने यूसुफ ने उसे रिवर्स कर दिया था, फिर एक सारा सिलसिला वहीं पर रोक दिया गया, तो आज तक वो हतीम जो है वो खाना काबे से बाहर है। तो इस हदीस के ऊपर जो है ना वो नजदी उलमा लाजवाब हो गए और उनको किसने लाजवाब करना है, उन्होंने ये हदीस उनको पहले ही पता थी और वो इसी फितने की वजह से इस एक्सट्रीम पे जाना नहीं चाहते थे, वरना जहां उन्होंने सारे मजार गिराए थे इसको गिराते हुए कोई मसला था? कौन सी उस वक्त इंटरनेट के ऊपर खबर चढ़ जानी थी? मैं 800 से 100 साल पहले बात कर रहा हूं जब साथ वाले मोहल्ले में नहीं पता होता था कि क्या हुआ। अब तारिक जमील साहब तो ये कहानी सुना रहे हैं और तारिक जमील से भी 100 गुना बड़े इनके बुजुर्ग पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब, जो इलियास गुम्मन साहब के मुर्शिद भी हैं और वो इंजीनियर भी हैं। वो कहते हैं नहीं इंजीनियर हो तो फिर पीर जुल्फकार जैसा हो। ये भी हैरानगी है, अलमिया है कि दीन के मसले लोग सिर्फ इंजीनियर से लेने चले जाते हैं। मैं कहता हूं कि सुनो, इंजीनियर हो आलम भी हो बिल्कुल जाओ मसले ले लो, इंजीनियर भी हो आलम भी हो ना, मैं कोई इतराज। हजरत जी पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातहु मौला लिया इंजीनियर भी है आलम दीन भी है शेख तरीकत भी है। हजरत जी पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातहु मौला लिया इंजीनियर भी है आलम दीन भी है शेख तरीकत भी है। हजरत जी पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातहु मौला लिया इंजीनियर भी है आलम दीन भी है शेख तरीकत भी है, तो कभी कोई इतराज हुआ? लेकिन मिर्जा अली को हम कहते हैं कि अबे तू तो जस्ट इंजीनियर विदाउट आलम है, तुझे किसने कहा तू ऑटोमेटिक आलम बन जा? रिवोल्ट आलम नहीं चल सकते भाई, रिवोल्ट हर काम करता है लेकिन उससे शादी नहीं हो सकती। इंजीनियर भी है और आलिम भी है, वो जो इंजीनियर भी है आलिम भी है, वो भी रोते रोते हुए ना सुना रहे हैं स्टोरी। वो स्टोरी ये सुना रहे हैं कि अरब का काफिला देवबंद से पूछने के लिए आया कि दसो ने गुम्मद खजरा दा के करना है और वहां पे अशरफ थानवी साहब भी थे, बाकी लोग भी थे। अच्छा सिर्फ यहां पे बात खत्म हुई, उन्होंने कहा जी लोग परेशान थे क्या दलील वो देंगे, उन्होंने कहा हदीस तो बिल्कुल ठीक है बुखारी शरीफ की, हालांकि सर वो बुखारी जी नहीं हदीस मुस्लिम में है, पहली थे अपनी तसीह करो, इंजीनियर भी हैं और आलिम भी हैं और हदीस कह रहे हैं बुहारी में, वो मुस्लिम हदीस है कब्रों पे इमारतें मत बनाओ। अगर ये इनके बारे में बड़ा ना क्लेम करते तो मैं इस तरह चींगे ना उतारता, ये हो सकता है किसी से स्लिप ऑफ टंग, लेकिन मैंने वैसे ही बताया।
अच्छा हमारे केस में तो मैं अगर कहीं पे रेफरेंस गलत भी हो जाए ना तो हम उसको डिस्प्ले करवा देते हैं ताकि कोई इबहाम बाकी ना रहे। अच्छा वो जो इंजीनियर भी हैं और आलिम भी हैं पता क्या उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी उलमाए देवबंद ने उलमाए अरब जो उनको पूछने आए इधर, अच्छा उनको कहा कि जी ये जो हदीस है ना इस हदीस का मतलब ये है कि आपने कब्र के एग्जैक्ट ऊपर इमारत नहीं बनानी, जो गुंबद है वो फॉग बना हुआ है, लिहाजा ये वाला जो मसला है ये उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करता। दारुल देवबंद में सऊदी अरब से एक जमात आई उलमा की, तो मोहतरम साहब ने उन उलमा को कहा कि जी आप सब उलमा के सामने अपना मौकफ पेश करें फिर जवाब हम देंगे। तो उनके जो अमीर थे वो खड़े हुए और उन्होंने बयान किया कि बुखारी शरीफ की हदीस है और इससे साबित होता है कि बिना अलल कबूल की इजाजत नहीं है। तो हमने जन्नत बकी के अंदर तो कब्रों पर जितनी इमारतें थी सब गिरा दी। अब मसला है गुंबद खतरा का, उलमा की आंसू से आंसू जारी थे और रो रहे थे कि अल्लाह हमसे जवाब देने में कोई पता ही ना हो जाए, और कोई जरूरत नहीं कर रहा था उसको जवाब देने की। इतने में हजरत अकबर थानी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और हजरत ने फरमाया खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस मसले में मुझे शिदत से अता फरमा दी है। हजरत ने फरमाया उसकी वजह ये कि हदीस पाक के मुताबिक बिना अलल कबूर की इजाजत नहीं है कि कब्र के ऊपर कोई इमारत कोई कमरा कोई जुब्बा कुब्बा बनाने की इजाजत नहीं है। गुंबद खजरा का मामला अलग है, यहां इमारत पहले थी हुजरे आयशा था और नबी इस्लाम की कब्र मुबारक बाद में इसके अंदर बनाई गई, लिहाजा अब इस इमारत को कोई बंदा गिरा नहीं सकता। ऐसा जवाब था कि वो लोग मुतमिन हो गए, गुंबद खजरा आज भी है और काबिर उलमा है देवबंद की इसके नबी की दलील दे रहा है, गुंबद खजरा आज भी है और काबिर उलमा है देवबंद की इसके नबी की दलील दे रहा है, गुंबद खजरा आज भी है और काबिर उलमा है देवबंद की इसके नबी की दलील दे रहा है। अच्छा तारिक मीर साहब ने क्या कहानी करवाई कि उन्होंने हतीम काबा वाली मिसाल दी थी और पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब ने क्या कहा कि ये वो है ही नहीं हदीस, इसके ऊपर लगती ही नहीं है, दो मुख्तलिफ कहानियां। और तारिमी साहब खुद मान रहे हैं कि हाँ यार ये इमारत नहीं बनाई जा सकती क्योंकि कहानी थी, दो मुख्तलिफ बंदों ने दो मुख्तलिफ कहानियां बयान कर दी, हालांकि ये है ही कहानी है, वो किसी के कहने में नहीं थे, उन्होंने जो कुछ किया वो हिकमत के तहत, वो ये समझते थे कि एक दफा तो ये गलत हरकत हो गई है और वो आज तक हमें इस तरह भुगतनी पड़ रही है कि हर साल गुम्बद खजरा को रंग होता है क्योंकि आपको पता है धूप के अंदर ग्रीन और रेड कलर ये सरवाइव नहीं करते, उड़ जाते हैं और वो फिर रंग उतरता है और पाकिस्तानी जो हमारी तरह के लोग हैं उनके पास तबरकन पड़ा भी, मेरे पास ही पड़ा हुआ है, जेलम का एक बंदा था जो वहां पर पेंट करता था उसने मुझे वो दिया भी था, मेरे घर अभी भी पड़ा हुआ है वो पेंट, हमें तो उस वक्त पता ही नहीं था, हमें तो यह भी बताया गया जी गुम्बद खजरा के ऊपर से कोई जानवर परिंदा गुजरता नहीं है, हमने अपनी गुनहगार आंखों से एक दफा नहीं दर्जनों दफा गुम्बद खजरा की जो टिप है ना एग्जैक्ट उसके ऊपर परिंदे बैठे हुए देखे हैं, आप गुजरने की बात कर रहे हैं एग्जैक्ट जो ऊपर हल्की सी नोक बनती है ना उसके ऊपर भी परिंदे बैठे हुए होते हैं। काबे के बारे में भी कहते हैं जी पिछू जनाब गोला दे गोला आंदे ने इंज करके लग जाते हैं, सर गिलाफे काबा के ऊपर कबूतरों की बीठे होती हैं, साया नहीं होता, इसी तरह पूछे खाने काबे का साया तो नजर आ जाता था ना इसलिए उधर कहानी नहीं कराई, गुम्बद खजरा का साया जमीन तक पहुंचते नहीं क्योंकि वो ऊपर वाली बिल्डिंग में है, सरकार ऊपर चढ़ के जाए तो आपको साया नजर आ जाएगा, वो तो हर वो चीज जो दूसरी बिल्डिंग पे है उसका साया नीचे तो नहीं आएगा ना। अच्छा फकी इनको यह दें कि जो सात मीनार खड़ा हुआ है उसका तो साया है क्योंकि वो इतना ऊंचा है कि साया जमीन तक पहुंच जाता है, ठीक है वो मतरे जेड़ा मीनार है नाल ते गुम्मत सका है वो गल करने लिए करो। तो उलमाए अरब का मौकिफ ये था कि पहली तो गुस्ताखी उन लोगों ने की है जिन्होंने कब्र रसूल के साथ ये सब कुछ किया और उसके लिए जाहिर है उस जमाने में भी ये बातें हो रही थी कि कब्र रसूल के पास आपने कारीगर लगाए हैं आवाजें बुलंद की हैं और नबी इस्लाम की तो कब्र मुबारक का भी एहतराम है, उसके पास भी आप आवाज बुलंद नहीं कर सकते। तो उलमाए अरब ने कहा कि बस इन्होंने एक गलत हरकत की, अब हम भी वही काम रिपीट करें और जाहिर है जब वो इस तरह का काम शुरू होगा तो शोर तो बुलंद होगा, ये उनका अपना मौकिफ था, मैं इसके साथ एग्री नहीं करता। उसकी वजह यह है कि नबी इस्लाम को इस चीज से खुशी होगी अगर ये गुम्बद उतार लिया जाए, कहते हैं जी आप कब्र रसूल को नंगा करना चाहते हैं, कब्र रसूल नहीं नंगी होगी सरकार,
नीचे हुजरे आयशा मौजूद है, ये एक फालतू चीज ऊपर रखी हुई है। तो नबी इस्लाम को इसके उतारने से खुशी होगी अल्लाह की जन्नतों में कि ये अच्छा काम हुआ है, बजाय ये कि आप इसको बाकी रखें और इसकी बुनियाद के ऊपर सारे मजार तामीर हो रहे हो। अब सऊदी हुकूमत ने फिर कहा कि नबी इस्लाम की इस हवाले से एक गुस्ताखी से भी बच जाए, आवाज बुलंद ना हो, वो बड़े सेंसिटिव है आपको पता है, यहां तो आप लोगों को बताया जाता है बड़े गुस्ताखे रसूल ने इशारों से गुफ्तगू करते हैं जाली के सामने, वो कोई वहां पे खड़ा होकर ज्यादा देर सलाम पढ़ना शुरू कर दे और पीछे लाइन में रश लग जाए तो वो हाथों से इशारा करते हैं ऐसे, और इनको ये नजर आ रहा था कांड करके खलोते हैं। मुझे बताएं अब जब सामने से लोग गुजर रहे हैं तो वो कमरी करके खड़े होंगे ना यार, और नबी इस्लाम की कहां से गुस्ताखी होगी, उसके पीछे जालियां हैं, जालियों के पीछे पर्दे हैं, दीवार है, और फिर अंदर एक बिल्डिंग है और उसके अंदर मुबारक कब्रें हैं जो कि सील है पिछले ऑलमोस्ट समझ ले 1200 साल से, 1200 साल भी नहीं आपके 1300 साल से, उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर से, जो सही बुखारी में आता है कि हुजरे आयशा की दीवार गिर गई थी वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में, नबी इस्लाम की वफात के ऑलमोस्ट 67 ईयर्स के बाद। तो उस वक्त मदीने के गवर्नर थे उमर बिन अब्दुल अजीज, खलीफा तो बाद में बने ना, तो वो सही बुखारी में आता है एक पांव निकल आया, लोग जो है वो परेशान हो गए कि नबी इस्लाम का पांव मुबारक बाहर निकल आया, तो उरवा इब्ने जुबैर को बुलाया गया जो हजरत आयशा के भांजे भी थे, महरम भी थे, वो हजरत आयशा में फ्रीक्वेंटली आते थे, उन्हें कब्रों की लोकेशन का पता था, तो उन्होंने कहा कि ये हजरत उमर का पांव है, ये नबी इस्लाम का पांव मुबारक नहीं है, और फिर वो हुजरा दोबारा से तामीर किया गया। मस्जिद नबी और हुजरा एडजेसेंट थे, ये आज तो मस्जिद नबी के अंदर वो हुजरा आ गया ना, एक्चुअली तो ये बाहर था, वो फिर उस सारी बाउंड्री के अंदर आ गया। तो आप देख लें हजरत उमर का पांव मुबारक सलामत था, लेकिन वो आखिरत की जिंदगी थी, वरना इतने सारे लोग एक बंदे के पांव को देखने के लिए खड़े हैं तो पांव ही अंदर कर लेना, ऐसे करके नहीं किया, लोगों ने पकड़ के अंदर किया पांव। आज भी आप कब्र रसूल खोलें तो नबी इस्लाम वैसे ही होंगे जिस तरह आपको दफनाया गया था, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई सांस नहीं होगी, क्योंकि वो आखिरत की जिंदगी है। जिस्म मुबारक बिल्कुल सलामत, अबू दाऊद में हदीस है और ये हदीस मिशकात में भी है, इक्का दुक्का मुहद्दिसीन ने इख्तलाफ किया, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ हदीस की मतन पे नहीं सनद पे किया, मतन को वो दुरुस्त समझते हैं कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसाद अल अंबिया, बेशक अल्लाह ताला ने हराम किया है नबियों के हक में के मट्टी उनके जिस्मों को खाए। और जो मुहद्दिसीन इसकी सनद पे कलाम करते हैं वो दूसरी हदीस को बिल्कुल ठीक मानते हैं जो अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में है, दलाइलुन नबुवा के अंदर भी मौजूद है, फदलुस सलाती अल नबी के अंदर भी शेख जुबैर साहब लेके आए हैं कि हजरत उमर ने जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का ताबूत निकला था, तुस्तर शहर जब फतह हुआ ईरान का, तो उन्होंने फिर वहां लेटर लिखा था कि ये वक्त के पैगंबर थे अपने जमाने में और इनकी लाश को दफना दिया जाए, अंबिया के जिस्मों को ना आग खाती है ना मट्टी खाती है ना कोई दरिंदा खाता है। और इसकी असल कुरान में भी मौजूद है सूरह सबा के अंदर आयत नंबर 14 में कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितना अरसा तक वो लाठी के सहारे यूं रहे, दीमक चाट गई लाठी को, दीमक एक दिन में तो नहीं चाटती, हफ्तों महीनों लगे होंगे, क्योंकि वो टेंपल ऑफ सुलेमान हैगले सुलमानी तामीर हो रहा था और उनका जिस्म वारक बिल्कुल सलामत था, जब तक कि वो लाठी जो है ना वो नहीं टूट गई दीमक के चाटने की वजह से, और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म वारक जमीन पे आया तो फिर लोगों को पता चला कि आप तो फौत हो चुके हैं, इतना रोब था कि इतना अरसा किसी ने आपको छेड़ा नहीं। तो इसकी असल कुरान में मौजूद है कि नबियों के जिस्म बिल्कुल सलामत है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये याद रखिएगा जब हम कब्र रसूल की हुरमत की बात कर रहे हैं तो हम नबी इस्लाम की मोहब्बत में कर रहे हैं, नबी इस्लाम की कब्र मुबारक के पास आवाज को बुलंद करना आज की डेट में भी गुस्ताखी है। सही बुखारी में शान नजूल है उस आयत मुबारक का सूरतुल हुजरात की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी,
ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا رسول اللہ کی آواز سے، اور ان کے حضور اس طریقے سے گفتگو نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہ ملے. اور یہ آیت کسی عام بندے کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، اس امت کے بہترین افراد ابوبکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن ابی ملائکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آواز بلند کر دی، حضور کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، آپس میں بات کرتے ہوئے. حضرت ابوبکر عمر کا آپس میں کوئی اختلاف رائے ہوا اور وہ اونچی آواز میں بولے، تو یہ آیات نازل ہوئی کہ رسول اللہ کی موجودگی میں. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت عمر اتنی آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ عمر اونچا بولو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اتنا وہ ڈر گئے. اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اچھا، یہ جو آیات ہیں آج بھی روزہ شریف پہ لکھی ہیں، ابھی نئی کنسٹرکشن انہوں نے کر دی ہے، سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی تھیں لیکن اب بہت بڑی انہوں نے جالیاں بنائی ہیں. سینٹر میں جو جالی ہے نا، جس کے اندر یعنی سامنے مواجہ شریف ہے، وہ بڑے والی جو آپ کو گول سا ایک نشان نظر آئے گا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی سید میں ہے. اس کے بعد دو چھوٹی ہیں وہ والے سوراخ بنے ہوئے ہیں، وہ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر. اور اس کی ترتیب یوں ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک، یعنی آپ یوں کھڑے ہیں نا جالی شریف کے سامنے، تو یہاں آپ کا سر مبارک ہے اور یہاں پاؤں ہیں، آپ کے آلموسٹ گھٹنوں کی سیدھ میں جا کے یا پاؤں مبارک کی سیدھ میں جا کے حضرت ابوبکر کی قبر ہے، ان کا چہرہ مبارک آتا ہے اور وہ یہاں تک ہے. پھر حضرت ابوبکر کے سینے کی سیدھ میں ان کے پیچھے حضرت عمر کی قبر ہے، اور یہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے جو سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے لیے بنے گی. یعنی جالی شریف کے بالکل قریب اندر والی باؤنڈری کے اندر نبی الاسلام کی قبر مبارک، ان کے قدموں کے سیدھ میں یوں، اس کے پیچھے حضرت ابوبکر کی قبر، اور ان کے سینے کی سیدھ میں یہاں حضرت عمر کی قبر. یوں یہ ترتیب سے انہوں نے بنائی ہے، یعنی پروٹوکول کے ساتھ. تو یہ درمیان والی جالی میں آپ کو وہ تین بڑے بڑے سوراخ نظر آئیں گے، اور اس کے اوپر یہی آیت لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پھر باب السلام کی جانب، یعنی جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں، یعنی یہ آپ جالی شریف کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کے لیفٹ پہ جو شروع میں آتی ہے نا جالی، وہ بڑی سی، اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. ٹھیک ہے، جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. اور جب آپ حاضری دے کے باہر نکلنے لگتے ہیں نا، تو تیسرا جو جالی کا پورشن ہے نا، باب البقی کی جانب، اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت والی آیت. تو یوں یہ تین آیات لکھی ہوئی ہیں انہوں نے، اور پورا اہتمام کرتے ہیں وہ الحمدللہ اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس کوئی بندہ آواز بلند نہ کرے. تو آپ دیکھیں کہ قبر رسول ہمارے لیے تو اس کائنات میں سب سے بڑھ کے جو جگہ ہے وہ ہے، وہ تو اس دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. کیونکہ اب حضور کے گھر میں آپ کی قبر بنی ہوئی ہے، تو امام بخاری نے ہیڈنگ بنائی ہے کہ قبر رسول سے ممبر رسول یہ جنت کا ٹکڑا ہے. آپ نے یہاں جنت بنائی ہوئی ہے بہشتی دروازہ. ہاں، جنت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر، قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک. اور اسی جنت کے ٹکڑے میں نبی علیہ السلام کے پڑوس میں سیدنا ابوبکر عمر کی قبریں رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں وہ جگہ ملی ہے. اور بلکہ صحیح بخاری میں تو آپ کو بڑی رکت انگیز حدیث ملے گی، سیدنا عمر کو جب زخم لگا اور ان کا معدہ کٹ گیا تھا، جو کھاتے تھے وہ نکل جاتا تھا، جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو سیدہ عائشہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ سیدہ عائشہ سے جا کے ریکویسٹ کرو کہ عمر بن خطاب اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے.
यानी रसूलुल्लाह और अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदियल्लाहु तआला और अमीरुल मोमिनीन ना कहना, यानी ये ना हो कि हजरत आयशा जो है वो अमीरुल मोमिनीन का हुक्म समझते हुए इजाजत दे दें। मैं उमर बिन खत्ताब, तो सईद आयशा ने कहा कि वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी, जाहिर है उनके खामन यानी रसूलुल्लाह दफन थे, उनके वालिद भी दफन थे, आज मैं उमर को अपने पे तरजीह देती हूं। और जब अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने आके हजरत उमर को बताया तो उन्होंने कहा वल्लाह मेरे लिए इस दुनिया में से बढ़कर कोई अजीज चीज नहीं थी कि मैं नबी इस्लाम के साथ दफन होता, और जब मैं मर जाऊं तो फिर मेरी मैयत को ले जाना, अगर हजरत आयशा इजाजत दें तो दफनाना, हो सकता है मेरे रोब की वजह से ना उन्होंने अभी कह दिया हो, और अगर उन्होंने मुझे इजाजत ना दी तो तुम फिर मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। खैर इजाजत तो दे ही दी उन्होंने, हजरत उमर की दुआ कबूल हुई। सही बुखारी में मौजूद है हजरत उमर दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदी रसूलिका सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत की मौत देना और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के इस शहर मदीना में मौत देना। दोनों दुआएं कबूल हुई, शहादत की मौत, मस्जिद नबी में जख्म लगा, मदीना शरीफ में दफन भी हुए, और सही मुस्लिम में हदीस है कि अहले मदीना की नबी इस्लाम ने कहा मैं शफात करूंगा क्यामत वाले दिन जो मदीने के मसाइब पे सबर करेगा, और जामे तिरमिजी में हदीस है तुम में से जो मर सकता है मदीने में मरे क्योंकि अहले मदीना की मैं शफात करूंगा, बशर्ते के वो आपके फिरके का हुआ। हाँ, क्योंकि इलियास कादरी साहब जो पापा जानी है ना, हाँ, दावत इस्लामी के अमीर, उनके जो पीरो मुर्शिद है जियाउद्दीन मदनी, वो भी बकिया गरकत में दफन है, और जो तबलीगी जमात के फजाइल अमाल लिखने वाले शेख ज़करिया कांदलवी है वो भी बकिया गरकत में दफन है। ब्रलवियों से पूछ लें कि वो बकी में जो दफन हुआ है शेख ज़करिया कांदलवी, हाँ, खलीफा अशरी थानवी का, वो वहां पर दफन हुआ है, तो वो तो शफात रसूल का हकदार कह के गुस्ताख। और देवबंदियों से पूछ लें कि इलियास कादरी साहब के जो पीर साहब वहां दफन है वो कह के मुशरिक। तो ये छोड़ दें, ये मैंने आपको साथ साथ आपका दिमाग खोलता हूं कि ये दफन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आपके अकायद और अमाल, अब्दुल्ला इब्ने उबई की कब्र भी बकी गरकत कब्रिस्तान में मौजूद है। तो बहरहाल हजरत उमर को वो जगह मिली और उनके लिए बहुत बड़ी सआदत, और इस बुखारी की हदीस ने उन लोगों का पर्दा भी चाक कर दिया जो आपको ये कहानियां सुनाते हैं कि हजरत अबू बकर ने वसीयत की थी मौला अली अलैहिस्सलाम को कि मेरी मैयत को कब्र रसूल पर ले जाना और वहां जाके रिक्वेस्ट करना, तो कब्र रसूल से आवाज आई कि हबीब को हबीब से मिला। सैयदना सिद्दीक अकबर ने भी यही वसीयत की थी कि मेरा जनाजा पढ़ के फिर हुजूर के सामने ले जाना और सलाम अर्ज करना, इजाजत मिल जाए तो कदमों में दफन कर देना वरना जन्नतुल बकी में। तो हजरत अली मुर्तजा और हजरत अनस रिवायत करते हैं कि ऐसा ही हुआ कि हमने जनाजा उठाया, पढ़ा और फिर हुजूर के मवाजे अनवर के सामने रख दिया। ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू बकर हैं, आपसे इजाजत तलब करते हैं, आपकी कुर्बत में दफन होने का शौक है, हमें क्या हुक्म है। तो उस वक्त हुजरा आयशा था, ये गुंबद खजरा नहीं बना हुआ था, सिर्फ हुजरा था, उसको ताला लगा था, चाबी हजरत आयशा के पास हुआ करती थी रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो फिर क्या हुआ कि वो ताला खुद ब खुद खुला, फिर कुंडी भी खुद ब खुद खुली, और फिर जो दरवाजा था वो खुद ब खुद खुला, और अंदर से आवाज आई औसिलुल हबीबा इलल हबीब लिअन्नल हबीबा इलल हबीब मुश्ताकुन, यार को यार से मिला दो, यार तो पहले यार का इंतजार कर रहा है। तो और वो कहते हैं वो ताला भी खुल गया, कुंडी भी खुल गई, भाई ताला कुंडी तो लगे ही नहीं हुए थे, सईदा आयशा वहां रहती थी और फ्रीक्वेंटली उस जगह पे आती जाती थी, वो सईदा आयशा के हुजरे का एक कमरा था, ताला कुंडी कहां से लगा हुआ था, और लोग हजरत आयशा की इजाजत से अंदर हाजिरी देते थे। बुखारी में लिखा है कि हजरत उमर ने हजरत आयशा से इजाजत ली है, और कहानी यह है कि हजरत अबू बकर ने जो है वो कब्र रसूल से जाके इजाजत लिया और कुंडी और ताला खोल के कहानी करवा दी, पकड़ी गई है, क्योंकि ये तो इन्होंने झूठी कहानी लिखी थी। दूसरी बात हम ये करते हैं कि अगर हजरत अबू बकर के लिए प्रेसिडेंट सेट था कि उनके लिए हुजरा शरीफ खुल गया था, तो हजरत उमर को तो यही कहना चाहिए था कि जाके अर्ज करना कि जिस तरह अबू बकर के लिए खुला था मैं भी आपका साथी हूं, मेरे लिए भी खुल जाए। कैसी लॉजिकल बात है।
कहते कितने दिमाग जाता है इतने, जी इतने ही जाता है, साढ़े ही दिमाग जाना है, बाकियां गए होंगे तो आज ये अकायद ना इस तरह के खराब हुए होते। क्या हजरत अबूबकर के साथ पक्की आ रही थी और हजरत उमर के साथ कच्ची आ रही थी? मौला अली का वो जो मैयत सैयदना उमर के ऊपर जो, मैं तो उसे मरसिया ही कहता हूं, इब्न अब्बास कहते हैं बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि सैयदना उमर की मैयत रखी हुई थी, लोग उनकी मैयत पे तारीफी कलिमात पढ़ रहे थे और इस्लाम के लिए जो उनकी खिदमात हैं खराज तहसीन पेश कर रहे थे। इतने में मैंने देखा कि एक शख्स मेरे पीछे आके खड़ा हुआ और उसने अपनी कोनी मेरे कंधे पे यूं रखी और उसने सैयदना उमर की मैयत को मुखातिब होकर कहा कि ए उमर, तुम ऐसे शख्स थे कि मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह के हुजूर तुम्हारे अमाल के साथ पेश हूं। मैंने बारहा रसूलुल्लाह से सुना था, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उमर निकले, मैं अबू बकर और उमर फुलां जगह गए। अक्सर नबी अलैहिस्सलाम तुम्हारा नाम लिया करते थे अबू बकर के साथ और मुझे उम्मीद थी कि तुम भी अपने दो साथियों को जा मिलोगे। तो इब्न अब्बास कहते हैं जब मैंने यूं मुड़ के देखा तो वो सैयदना अली थे जो हजरत उमर की मैयत के ऊपर ये कलिमात पढ़ रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते थे, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर। तो ये कैसे हो गया कि हजरत उमर को हजरत आयशा से इजाजत लेनी पड़ी और हजरत अबू बकर जो है वो उनके लिए कुंडी खुल गई? बिल्कुल झूठ है ये, वाकयात ही बिल्कुल गलत है, इनकी कोई असल नहीं है। सिर्फ ये इन्होंने एक समझ लें जज्बाती डॉक्ट्रिन आपको देने के लिए इस तरह के वाकयात मशहूर कर दिए। और जो अहादीस के अंदर चीजें आई हुई हैं वो बड़ी यानी हिफाजत से जमा की गई। तो याद रखिएगा कब्र रसूल जो है वो हमारे लिए सबसे महबूब तरीन जगह है, कब्र रसूल की हाजिरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्लेनेट अर्थ पे। सबसे बड़ी नफली इबादत अगर कोई हो सकती है ना तो कब्र रसूल की हाजिरी है। वो अल्लाह के शायरुल्लाह में से, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इन सफा वल मरवा तमिन शायरुल्लाह है तो कब्र रसूल तो बहुत बड़ी शायरुल्लाह है। और सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया कि शायरुल्लाह की ताजीम जो है ये दिलों के तकवे से है। तो रसूलुल्लाह की ताजीम तो वैसे ही हमारे ईमान का हिस्सा है, कब्र रसूल की ताजीम ये हमारे ईमान का हिस्सा है। कब्र रसूल की हाजिरी, इससे बड़ी कोई सआदत नहीं हो सकती। दुआओं की कबूलियत की जगह है।